राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी महालक्ष्मी मैया की असीम अहित की अनुकंपा से आगामी 14 नवंबर से 20 नवंबर पर्यंत इस मुंबई की पावन धरा का विशाल महायज्ञ भूमि बेली खेल मैदान कांदिवली इष्ट में ठाकुर विलेज संपादित होने जा रहा है। जिस महायज्ञ में भगवती राजराजेश्वरी को रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उनके विलक्षण सौ दिव्य मुख बनेंगे। उन सौ दिव्य मुखों से भगवती की कृपा प्रसाद हमारे पूरे मुंबई नगर में प्रसारित हो, वो आशीर्वाद हम सब लोग ले सकें, इस पावन संकल्प को लेकर काया माया संकट की निवृत्ति के लिए वर्तमान जगत में, वर्तमान समय में आर्थिक स्थिति से प्रत्येक व्यक्ति जूझ रहा है। आर्थिक संकट का निवारण करने के लिए देवताओं की विशेष कृपा, पितरों का विशेष आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो सके, जिससे हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ सके। पूरे विश्व में सुख शांति समृद्धि तभी बढ़ सकती है जब देवताओं की विशेष कृपा और पितरों का विशेष आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर होता है। ये विलक्षण आशीर्वाद यज्ञ नारायण भगवान के माध्यम से ही संभव है। यज्ञ नारायण भगवान का मतलब है समष्टि का कल्याण करना। संपूर्ण विश्व का कल्याण यज्ञ संस्कृति के माध्यम से ही निहित है। जिस समय देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय हमारे दादा गुरुजी धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज, जिन्होंने उस समय पर हमको यज्ञ की पावन परंपरा सिखलाई, ये जो हम यज्ञ शब्द उच्चारण कर रहे हैं, ये उन्हीं महापुरुष की देन है। सर्वप्रथम हमने जो धर्म के उद्घोष किए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, संपूर्ण विश्व में आज प्रत्येक व्यक्ति इन धर्म के उद्घोषों का प्रेम पूर्वक उच्चारण कर रहा है। यदि ये उद्घोष भी वेदों से पुराणों से निकाल करके इस संसार में यदि किसी ने प्रसारित किए, तो धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज की देन है। उन धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज ने इस देश को आजाद करने के लिए चार विशाल लक्ष्य चंडी महायज्ञ संपादित किए थे, और उसके उपरांत देश आजाद हो गया, उसके उपरांत विशाल यज्ञों की परंपरा चलती रही। उन्हीं के पावन कृपा पात्र पूज्य गुरुदेव यज्ञ सम्राट वीरस व्रति श्री प्रवल जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में विशाल 273 महायज्ञों की एक श्रृंखला बनाई। 273 विशाल महायज्ञों की श्रृंखला का निर्माण करके अब भी वह पावन श्रृंखला चल रही है। उन्हीं महापुरुष की पावन, पूज्य गुरुदेव भगवान की पावन स्मृति में प्रथम बार यह कार्यक्रम, विलक्षण कार्यक्रम इस कांदिवली की पावनतम धरा पर हम सब लोगों के कल्याण करने के लिए, विश्व का कल्याण कैसे संपादित हो सकता है, इस भावना को लेकर के जो रोगी व्यक्ति है वे निरोगी बन सके, जो दुखी है वे सुखी बन सके, काया का संकट निवृत्त हो सके, माया के संकट से हम बच सकें, हमारी भौतिक उन्नति के साथ साथ अध्यात्म की उन्नति हो। चूंकि ये मैकाले की शिक्षा अध्यात्म उन्नति प्रदान नहीं कर सकती, इसलिए अध्यात्म उन्नति की देन यदि किसी संस्कृति के अंदर विद्यमान है तो उसको वैदिक संस्कृति कहा जाता है। उसी विलक्षण वैदिक संस्कृति का अनुसरण करते हुए, अनुकरण करते हुए इस विशाल महायज्ञ में देश के ख्याति प्राप्त महापुरुष पधारेंगे। अनेक पीठों के पीठाधिपति, पीठाचार्य, धर्माचार्य,
विशिष्ट पदों पर विराजमान संत महापुरुष पधार करके यज्ञ के ऊपर प्रकाश डालेंगे। इस यज्ञ को संपादित करने के लिए तीन समय संध्या वंदन नित्य नैमित्तिक कर्म संपादित करने वाले भगवान को अपने कर कमलों से भोजन खिला करके स्वाहा के माध्यम से भगवती राजराजेश्वरी को आप लोगों के कल्याण करने के लिए रिझाएंगे। तो वो वैदिक विद्वान भी भारतवर्ष के विशिष्ट स्थानों से अर्थात अयोध्या से, मथुरा से, काशी से, कांची से, अवंतिका से केवल हम सब लोगों का कल्याण हो सके, इस पवित्र भाव को लेकर के इतने बड़े समवाय के अंदर यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। इसका मतलब है निश्चित रूप से एक धर्म की क्रांति हमारे मुंबई के अंदर आने वाली है। 50 वर्ष के उपरांत भी यदि यज्ञ हुआ था तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने 1996 में यहाँ पर यज्ञ किया था और 1996 से लेकर के 2019 पर्यंत प्रत्येक वर्ष दो वर्ष में यहाँ पर यज्ञों की श्रृंखला अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ व स्वामी करपात्री फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पर समय समय पर होती रहती है, न केवल मुंबई की पावनतम धरा पर अपितु संपूर्ण भारत वर्ष के अंदर धर्म संघ की परंपरा का अनुसरण करने वाले महापुरुष समय समय पर जाकर के वहां की जनता को जगाने का एक प्रयास करते हैं। चूंकि हम तो फक्कड़ बाबा हैं, फक्कड़ बाबा का अभिप्राय ऐसा होता है कुछ पास में नहीं होता परंतु मन से बड़े राजा हुआ करते हैं। मन में जिस प्रकार का संकल्प आ जाता है उस पागल बाबा की बातों को सुनकर के आप जैसे धनवान लोग, आप जैसे श्रीमान लोग, आप जैसे विद्वान लोग, सुधी जन लोग हमारे चक्कर में आते हैं और जैसा हम कहते चले जाते हैं, हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते। जो वैदिक संस्कृति में, जो हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में लिखा हुआ है उन्हीं को आप लोगों को समझाने का एक प्रयास करते हैं। उसी का ये परिणाम होता है कि आप लोग हमारी बातों को अन्यथा न लेकर के समाज के हित करने के लिए, चूंकि यज्ञ से बढ़कर के समाज का हित करने वाली दूसरी कोई संस्कृति नहीं है।